भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा कुंभ स्नान को लेकर के है। हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि घर पर रहकर सुरक्षित तरीके से कुंभ स्नान का लाभ कैसे लिया जा सकता है, कुंभ स्नान का पुण्य किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, कुंभ स्नान हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है, बल्कि मेरा यह मानना है कि यह सृष्टि का पर्व है, समस्त संसार का पर्व है, यह जल तत्व का पर्व है। जब हम इस संसार की, इस जगत की, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जानना चाहते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इस संसार में उत्पन्न होने वाले विभिन्न तत्वों में से सर्वप्रथम यदि कोई तत्व उत्पन्न हुआ, परमेश्वर के अंश स्वरूप परमेश्वर की कृपा से वह उत्पन्न होने वाला प्रथम तत्व जल है, जैसा कि हमारे उपनिषद विभिन्न प्रकार से बताते आए हैं। ऋतंच सत्यंच भीधा तपसोध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। इस प्रकार इस आदि तत्व जल का यह पर्व है कुंभ स्नान, कुंभ पर्व। मित्रों, हरिद्वार में आयोजित होने वाला यह कुंभ पर्व प्रत्येक 12 वर्ष बाद आता है। लगभग 12 वर्ष के समय में बृहस्पति सभी राशियों का चक्र पूरा कर, अर्थात द्वादश राशियों का चक्र पूरा कर कुंभ राशि में आते हैं। इस पूर्ण चक्र में इन्हें 12 वर्ष का समय लगता है और सूर्य जब मेष राशि में होते हैं तो यह कुंभ, हरिद्वार में यह कुंभ पर्व मनाया जाता है। 12 वर्ष के पीछे हमारे शास्त्रों का यह भी कथन है कि प्रत्येक 12 वर्ष के समय के बाद लगभग लगभग हमारी पीढ़ी के मानसिकता और उनके विचारों में परिवर्तन आ चुका होता है, अर्थात प्रत्येक 12 वर्ष बाद एक जनरेशन गैप उत्पन्न हो जाता है। अतः नई पीढ़ी के इस शुभारंभ को कुंभ स्नान इत्यादि के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने ईश्वर से और अध्यात्म से जुड़े रहकर प्रारंभ करने का संदेश दिया है। इस कुंभ पर्व के स्नान के अवसर पर आप सभी जल से, गंगा नदी से प्रार्थना करें कि वे अपने जल की तरह हमें भी निश्चल, स्वच्छ एवं तेजस्वी बनाए। हरिद्वार में लगने वाले इस कुंभ पर्व के स्नान के विषय में हमारे दर्शक यह जिज्ञासा रखते हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में, वैश्विक आपदा के इस समय में किस प्रकार कुंभ स्नान का लाभ लिया जाए। मित्रों, इस संबंध में हमारी आपको यह राय रहेगी कि ऐसी समस्या के समय में आप कम से कम संख्या में हरिद्वार में पहुंचे, जिससे कि स्वास्थ्य एवं अन्य व्यवस्थाएं बनी रहे। यदि आप वहां नहीं जाना चाहते हैं और घर पर रहकर इस कुंभ स्नान का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हरिद्वार से प्राप्त किया गया गंगा जल लेना होगा। अपने स्नान करने के जल में आप इस गंगा जल को मिलाइए और जल से प्रार्थना कीजिए, माता गंगा से प्रार्थना कीजिए कि वे हमारे सभी कष्टों को, सभी पापों को दूर करें और हमारे शरीर के साथ साथ हमारे चित्त को भी निर्मल करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से ध्यान करते हुए इन सातों महती नदियों को आप अपने जल में अपना प्रभाव छोड़ने का निवेदन कीजिए और इन सातों नदियों का उस जल में आह्वान करते हुए उस जल से स्नान करें और यह प्रार्थना करें कि यह पवित्र जल हमारे शरीर एवं हमारे चित्त को संरक्षित रखे, सुरक्षित रखे और निर्मल रखे। आशा है इस कुंभ स्नान के महान अवसर का आप सभी लाभ लेंगे। साथ में ही यह भी ध्यान रखेंगे कि हमारे संसार की ये पवित्र नदियां सुरक्षित, स्वच्छ एवं निरंतर बनी रहे। ओम स्वस्ति।